साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी तो बाद हालत गंभीर, कोरोना वायरस की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। केंद्र सरकार वालों 14 राज्यों को कोरोना महामारी नाल लड़न लई पैसा रिलीज, पंजाब नूं मिले 63,825 लाख रुपए। सुखदेव सिंह ढींसा वालों अज दिल्ली च अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिव की शुरुआत, 100 दे करीब नेतावां नूं पार्टी च करवाया शामिल। दैनिक सवेरा टीवी ते आप सब दा स्वागत, मैं रजिंदर कौर लेके हाजिर हां खबरां दा खास बुलेटिन। साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ब्रेन सर्जरी तो बाद हालत गंभीर बनी हुई है। प्रणब मुखर्जी दिल्ली दे आर्मी हस्पताल विच भर्ती ने, दस दईए कि हालत गंभीर होने कारण प्रणब मुखर्जी नूं हस्पताल च वेंटीलेटर ते रखा गया है। इस वेले साबका राष्ट्रपति दी हालत नाजुक बनी हुई है। दस दईए कि प्रणब मुखर्जी दा कोरोना वायरस दा टेस्ट कीता गया सी, जिस च उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। केंद्र सरकार वालों 14 राज्यों नूं कोरोना महामारी नाल लड़न लई पैसा रिलीज कर दिता है, जिस विच पंजाब भी शामिल है। केंद्र वालों 6,195 करोड़ दी रकम नूं वंडिया गया है, जो कि 5वीं किश्त दे रूप विच दित्ती गई है। पंजाब नूं इस रकम विचों 63,825 लाख रुपए राहत फंड दे रूप विच मिले ने। सुखदेव सिंह ढींसा वालों अज दिल्ली च अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिव दी शुरुआत कीती गई है। इस दौरान अकाली दल, भाजपा ते आम आदमी पार्टी दे 100 दे करीब नेतावां नूं पार्टी च शामिल करवाया गया है। इस दौरान सुखदेव सिंह ढींसा दे नाल बलवंत सिंह रामू वालिया भी मौजूद रहे। उत्थे ही पंजाब सरकार वालों विद्यार्थियों नूं स्मार्टफोन देण ते ढींसा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कीता गया ते हुण चोणां तों पहलां हौली हौली अपने वादे पूरे कर रहे ने। देखो, बहुते तां है कि श्रोमणी अकाली दल बादल वालों आए, बहुत मेजोरिटी तां एक दो बंदे जिन्हां ने कोई पार्षद दी इलैक्शन लड़ी सी बीजेपी दे भी बीबी आई है, और एक पार्षद लड़ा जिहड़ा ना जिन्हां ने आम आदमी पार्टी का भी एक लड़ा है। तो बस बहुते श्रोमणी अकाली दल दे ही आए ने जिहड़े सुखबीर नूं छड्ड के आ रहे ने। की मन्निया जाए, जिस तरह 6 महीने बाद चोणां ने गुरद्वारा कमेटी दियां ते सारे आ रहे ने, क्या कमेटी चोणां श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेट लड़ेगा इन्हों नहीं? असी दिल्ली अजे तक साड़ी पार्टी का है कि असी नहीं लग नहीं, लेकिन मैं थोड़ा दस्या सी जिवें कि मैं कोई कल्ले ने फैसला नहीं करना, असी कलैक्टिव लीडरशिप जिहड़ी हैगी है उहदे च बैठ के असी फैसला करांगे। और इन्ना जरूर है कि असी इत्थे भी बादल अकाली दल नूं मात देण लई जो बंदे अगे आउणगे उहनां नूं नाल लै के जां उहनां दी मदद करके ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਜਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਨੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲਾਹਨ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਧ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
जत्थेदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं 15 दिन का समा दिता गया। उन्हां कहा कि जेकर नरेंद्र मोदी 15 दिन के अंदर सिख कौम तो माफी नहीं मंगते तो खालसा पंथ वालों अपना तेवर दिखाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, असीं उन्हां नूं 15 दिन का टाइम दिता है। 15 दिन के विच नरेंद्र मोदी सिख कौम तो खालसा पंथ तो जे माफ़ी नहीं मंगता तो फिर खालसा पंथ अंगड़ाई तो पहले ही हुई है। खालसा पंथ फिर जिहड़े अपने तेवर आ खालसा पंथ जिहड़ा वो सारा कुछ अपना विखाऊगा, फिर की हो सकता है, शांतमई ढंग नाल फिर असीं करांगे। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कीता वादा आज पूरा कर दिता गया, जिसके चलदिया यूथ दिवस मौके कैप्टन ने नौजवानों नूं स्मार्टफोन वंडन दी स्कीम दी शुरुआत करदिया विद्यार्थियों नूं स्मार्टफोन वंडे ने। इस स्कीम नूं पंजाब विच 26 वख-वख थावां तों लॉन्च कीता गया। दस दईए कि कैप्टन सरकार वालों अज 39 महीने 27 दिन बाद करीब 400 विद्यार्थियों नूं स्मार्टफोन वंडे गए ने। पंजाब विच कोरोना वायरस दा कहर लगातार जारी है। अज सवेरे जलंधर च कोरोना वायरस दे 114 नवे मामले सामने आने तो बाद 60 होर नवे मामले सामने आए ने, जिस दे नाल संबंधित अज कोरोना मरीजा दी गिनती जलंधर दे विच 174 हो गई है। हुण उत्थे ही जलंधर च कोरोना मरीजा दी कुल गिनती 3376 हो गई है अते हुण तक जिले च 99 कोरोना मरीजा दी जान जा चुकी है। आज दे बुलेटिन विच एना ही। नवीआं ते ताज़ा तरीन खबरां दे लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।